हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर न्यू ब्लॉग। तो काफ़ी दिनों बाद मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि ऑफिस के काम की वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो आज संडे था, संडे का दिन होता हमेशा शॉपिंग करने का, मेरे लिए तो शॉपिंग करने का डे होता है। तो मैंने काफ़ी दिनों से शॉपिंग नहीं करी थी, तो मैंने सोचा चलो आज शॉपिंग भी हो जाएगा, साथ ही साथ घूमना भी हो जाएगा। तो मैं आज जा रही हूँ सरोजिनी नगर मार्केट। सरोजिनी नगर मार्केट का एक ब्लॉग तो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ, ये सेकेंड ब्लॉग है। तो चलिए आप मेरे ब्लॉग में बने रहे, मैं आपको सरोजिनी नगर मार्केट घुमाती हूँ। मार्केट पहुंच गई है। सरोजिनी नगर मार्केट का गेट नंबर 3 है। ये मेट्रो का गेट नंबर से एक आप सामने से निकलेंगे, उसके सामने ही है ये गेट नंबर 3। चलिए अब हम अंदर चलते हैं। संडे है वैसे यहाँ बहुत रश होता है, यहाँ चलने की जगह भी नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हो कि काफ़ी हद तक यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। अब हम चलते हैं अंदर। आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे कॉस्मेटिक से लेकर हर कुछ आपको सारी वैरायटी अवेलेबल होगी और अच्छे कम से कम सस्ते से सस्ते दामों में। जैसे कि आप देख रहे हो बैग की यहाँ सारी वैरायटी है एंड इयररिंग्स है, ऑल वैरायटीज आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेगी। आपको इस मार्केट में कुछ भी चाहिए, एनीथिंग कुछ भी चाहिए, वो आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी और रीज़नेबल प्राइस में। आप ये देख सकते हैं बेल्ट के कितने अच्छे अच्छे कलेक्शन हैं। और आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पे। आपको नाइट सूट गर्ल्स लेडीज़ एंड आपको किड्स वेयर भी मिल जाएगा। देख सकते हो आप ये 200 इसी रेंज में आपको इस मार्केट में मिलेगा, इससे ज़्यादा रेंज में आपको इस मार्केट में नहीं मिलेगा। मुझे लगता है यहाँ पे मुझे अपनी जो मुझे चाहिए है वो शायद मुझे यहाँ मिल सकता है। कोई सा ले लो 200 का, ये वाला दिखाओ आप। हाँ ये खराब नहीं होगा, खराब नहीं होगा मैम, कपड़ा ही सब मैम, कपड़ा ही सब। पिंक आई थिंक, मुझे पिंक नहीं चाहिए। तो कम से कम मुझे एक चीज तो मिल गई, मुझे जूते तो मिल गए। अब आगे चलते हैं, मुझे एक चीज और लेनी है। वो क्या लेना है जब वो मिलेगा तभी मैं आपको बताऊंगी। तो अभी तो हमने आधा मार्केट घूमा, आज धूप भी बहुत हो रही है, गर्मी बहुत पड़ रही है। तो आप तो जानते हो दिल्ली में कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है। गर्मी क्या, हर सीज़न में हर मौसम ओवरऑल और जगह से बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर होता है यहाँ का। गर्मी का हो चाहे सर्दी का हो चाहे बरसात का हो, सब कुछ यहाँ पे ज़्यादा ही होता है। तो गर्मी भी अभी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो क्या करें।
छुट्टी का एक दिन मिलता है तो ठीक है, थोड़ी बहुत गर्मी तो हम बर्दाश्त कर ही सकते हैं शॉपिंग करने के लिए। आफ्टर ऑल शॉपिंग जो करना है तो चलिए, मुझे फुटवेयर तो मिल गया है, अब देखते हैं। मुझे शर्टें लेनी थी, अब शर्ट देखते हैं कहाँ मिलेगा। आधा मार्केट तो घूम ली, नहीं मिला जैसा कि मुझे चाहिए था, अब और आधा मार्केट घूमते हैं। आई थिंक मिल तो जाना चाहिए। मुझे दो शर्ट मिल गई है पूरा मार्केट घूमने के बाद, मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ, मुझे शर्टें मिल गई है, मुझे भी काफ़ी पसंद आई। मैं नाना कर रही थी बट अंकल जी ने कहा कि ये आ जाएगा आपको। जब मैंने ट्राई किया तो ठीक है, मुझे अच्छा लगा था, पहली नज़र में मुझे पसंद आ गया था, बट मैं साइज़ की वजह से इसे छोड़ रही थी। बट अब मुझे लगता है कि मुझे और मार्केट घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे मिल गया। चलिए अब मैं बार्गेनिंग तो करना नहीं पड़ेगा। 100 रुपीज़ की शर्टें हैं, आप देख सकते हो यहाँ 100 रुपीज़, आप भी आ सकते हो, ले सकते हो, कुछ ज़्यादा महंगा नहीं है। 100 रुपीज़ में अगर आपको क्वालिटी वाली शर्टें मिल रही है तो क्या बुरा है, मुझे तो बहुत पसंद। आप देख सकते हो इस मार्केट में आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, जैसे 150 का ये जीन्स है एंड 200 में भी अलग अलग वैरायटी में जीन्स है, 50 की टी शर्ट है और 50 में प्लाजो है, 100 में शॉर्ट्स है, 200 में रिप्ड जीन्स है। अब हम थोड़ा आगे चलते ही आपको बेल्ट के सारे कलेक्शन मिल जाएंगे एंड देन थोड़ा और आगे चलते तो आपको स्लीपर बहुत अच्छे कलेक्शन मिलेंगे यहाँ पर। देन और थोड़ा हम आगे चलेंगे तो यहाँ पे फूड कोर्ट भी है, फूड कोर्ट में आपको जो भी मोमोज से लेकर गोलगप्पे से लेकर हर कुछ मिल जाएगा। और एक बात और बताना चाहूँगी, यहाँ पर आपको किड्स वेयर, मेन्स वेयर, वुमेंस वेयर, गर्ल्स वेयर, इसके अलावा आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम भी मिलेंगे। आपको इस मार्केट में सब कुछ मिल जाएगा, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। एक मार्केट में आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, सारी चीज़ें, ऑल ओवर सारी चीज़ें।